ओम शांति। 15-8 के अव्यक्त महावाक्यों का सार, होली कैसे मनाएं तथा सदा काल का परिवर्तन कैसे हो। आज सर्व के भाग्य विधाता बाबा ने अपने होली हंसों के साथ ज्ञान रत्नों की होली मनाई और बाबा ने आज होली का रहस्य हम सबके सामने स्पष्ट किया कि दुनिया में भी होली मनाते हैं लेकिन मनाने से पहले जलाते हैं। तो यहाँ पर भी बच्चों ने बाबा के साथ होली मनाई। बाबा ने देखा हर एक बच्चा बहुत अच्छा है, सदा बाबा के कार्य में सहयोगी है। बाबा ने कहा आप श्रेष्ठ आत्माएँ हाइएस्ट होली बनते हो, अर्थात संकल्प मात्र स्वप्न मात्र अपवित्रता वृत्ति को दृष्टि को पावन स्थिति से नीचे नहीं लाते हो। बाबा ने कहा तुम्हारी ये दृष्टि वृत्ति की पवित्रता जो है ये तुम्हें महान बना देती है। तो ऐसे होली हंस व सदा पावन संकल्पधारी तुम श्रेष्ठ आत्माएँ हो। फिर बाबा ने ये भी कहा कि दुनिया में भी साधारण पवित्र आत्माएँ बहुत हैं लेकिन आप महान पवित्र आत्माओं को वो मन से नमस्कार करती हैं। फिर बाबा ने कहा दुनिया में होली मनाते हैं वो आप श्रेष्ठ आत्माओं के पावन बनने का यादगार ही तो है। आप भी बाबा की याद की लगन की अगन में आप पवित्रता को जला देते हो, फिर बाबा के साथ मंगल मिलन मनाते हो। तो जलाना अर्थात नाम निशान मिटा देना, अपवित्रता को जला दिया मतलब होली बन गए। पाप दादा सदैव सुनाते हैं कि होली मनाना अर्थात होली बनना यानी पवित्र बनना। तो चेक करो मैंने अपवित्रता को जलाया है, मारा है या जलाया है। मरा हुआ तो जिंदा हो सकता है लेकिन जला हुआ जिंदा नहीं हो सकता है। जैसे कोई बीज जला हुआ होता है तो दोबारा फल नहीं देता है, इसी तरह जलाना बहुत महत्वपूर्ण है। फिर बाबा ने दो तरह के महारथी भी देखे। पहला बाबा ने जो महारथी देखे वो कौन से देखे, जो अतीन्द्रिय सुख के संतुष्टता के सर्व के दिल के स्नेह के झूले में सदा झूलते रहते हैं। और दूसरे नंबर सेवा के महारथी देखे जो तन के आधार पर बाहर से सेवा की विशेषता के फलस्वरूप संतुष्ट दिखाई देते हैं। सेवा की विशेषता के कारण सेवा के आधार पर मन की संतुष्टता है, सेवा की विशेषता ही उन्हें महारथी बना देती है। फिर बाबा ने देखा बहुतों के याद प्यार पत्र आए हैं जिसमें बहुत तरह के वायदे किए हैं। बाबा ने कहा उससे भी फायदा होता है क्योंकि दृढ़ता का फुल अटेंशन जाता है ना, दृढ़ संकल्प करते हैं तो अटेंशन तो रहता ही है। अब बाबा कहते हैं बच्चे अपने आप को चेक करो, जो बाबा से वायदे किए हैं वे पूरे हुए, बीती को बीती किया, अब क्या कर रहे हैं। बाबा ने देखा बच्चे बड़े प्यार से बाबा से रू रिहान करते हैं और क्या कहते हैं जितना परिवर्तन होना चाहिए उतना नहीं होता। बाबा कहते कारण क्या है, सदा के लिए परिवर्तन क्यों नहीं होता है। अपने प्रति व दूसरों के प्रति कोई भी संकल्प करते हो उसमें फिर कमजोरी क्यों आ जाती है, ये रिपीट होता है, क्यों होता है, कारण क्या है। सोचते हो आगे से इस आत्मा के इस संस्कार को जानते हुए स्वयं को सेफ रखेंगे, उसको भी शुभ भावना शुभकामना देंगे, लेकिन जैसे ही दूसरों की कमजोरी देखते हैं सुनते हैं ग्रहण करने की आदत है, नेचुरल है, बहुत काल की है। तो ये बाबा ने कहा आदत खत्म करो, नहीं रखो। बाबा कहते देखो जैसे कोई स्थान खाली होता है ना, वहाँ पर क्या होता है, यूज़ नहीं करते हैं तो खाली मन में ऐसे ही व्यर्थ संकल्प आते हैं। जैसे खाली स्थान पर किचड़ा व मच्छर स्वतः ही पैदा हो जाते हैं, धूल मिट्टी जम जाती है। तो अपने मन में पहले शुभ संकल्प शुभ भावना रखो, नेचुरल परिवर्तन किया हुआ श्रेष्ठ संकल्प का स्वरूप स्मृति में आना चाहिए। क्योंकि नॉलेजफुल तो हो, सभी के गुण कर्तव्य संस्कार सेवा स्वभाव परिवर्तन के शुभ संस्कार व स्थान सदा भरपूर होगा तो अशुद्ध को स्वतः ही समाप्त कर देगा। फिर बाबा ने देखा कि कई बहुत अनुभव करते हैं, कईयों को याद में बैठ कर के भी अनुभव नहीं होता है, निद्रा की तरफ चले जाते हैं। जो याद से खुशी मिलनी चाहिए वो खुशी भी नहीं मिलती है। बाबा कहते कई तो सदा सोच के मूड में ही रहते हैं, सोचते ही रहते हैं, कई सोचते खुशी क्यों नहीं आती, कारण क्या है। सोचते रहते मैं आत्मा हूँ, बिंदु हूँ, ज्योति स्वरूप हूँ, ऐसा हूँ, लेकिन मैं कौन सी आत्मा हूँ, मुझ आत्मा की विशेषता क्या है। जैसे मैं पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा हूँ, मैं आदि रचना वाली आत्मा हूँ, मैं बाबा के दिल तक तनशीन वाली आत्मा हूँ,
यह विशेषताएं जो खुशी दिलाती है ये नहीं सोचते हैं, सिर्फ बिंदु हूँ, ज्योति हूँ, शांत स्वरूप हूँ, तो नील में चले जाते हैं, माथा भारी हो जाता है। तो अपने श्रेष्ठ स्वमान स्मृति में रखने चाहिए। बाबा कहते हर एक बच्चा बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर रहा है, जैसे संकल्प आता है कि होगा, ये ऐसे करता है, ये करता है, ऐसे है, इसकी बजाय सोचो ये विशेषता प्रमाण विशेष ऐसा है। जैसे कमजोरी का ऐसा और वैसा आता है, वैसे श्रेष्ठता का ऐसा और वैसा दूसरों में दिखाई दे। स्व परिवर्तन ही औरों के परिवर्तन को सामने लाएगा। सोचो पहले मैं परिवर्तन करूं, मैं बदलने का एग्जाम्पल बनूं, इसको कहते होली जलाना। बाबा के संग के रंग में सदा बाबा ने कहा रंगे हुए रहो। होली मनाई अर्थात जहाँ उमंग उत्साह होता है वहाँ हर घड़ी उत्सव होता है, तो खुशी से मनाओ, खूब मनाओ, खेलो खाओ मौज करो, लेकिन सदा होली बन मिलन मनाते रहो। दो बातें और बहुत अच्छी बाबा ने कही कि सदा अपने आप को बाप दादा की छत्र छाया में रखो, छत्र छाया ही आपकी सेफ्टी का साधन है। छत्र छाया से बाहर निकले तो रावण उठा करके ले जाएगा, शोक वाटिका में बिठा देगा। तो सदा बाप की छत्र छाया में रहने वाली बाप की स्नेही आत्मा हूँ ऐसा अनुभव करो। दूसरा बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई, मैं बाबा के नैनों में समाई हुई आत्मा हूँ। जैसे इसको अनुभव करेंगे, इसको ही नूरे रतन कहा जाता है। अच्छा, आज का वरदान, अपनी अलौकिक रूहानी वृत्ति द्वारा सर्व आत्माओं पर अपना प्रभाव डालने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य भव। जैसे कोई आकर्षण करने वाली चीज आसपास वालों को अपनी तरफ आकर्षित करती है, सभी का अटेंशन जाता है, जैसे जब आपकी वृत्ति अलौकिक रूहानियत वाली होगी तो आपका प्रभाव अनेक आत्माओं पर स्वतः पड़ेगा। अलौकिक वृत्ति अर्थात न्यारे प्यारेपन की स्थिति स्वतः अनेक आत्माओं को आकर्षित करती है। ऐसी अलौकिक शक्तिशाली आत्माएं मास्टर ज्ञान सूर्य बन अपना प्रकाश चारों ओर फैलाती हैं। स्लोगन है, सदा स्वमान की सीट पर रखो तो सर्व शक्तियां आपका ऑर्डर मानती रहेंगी। आज रविवार, तीसरा रविवार है, तो 6:30 से 7:30 विशेष मास्टर मुक्तिदाता बन आप योग करेंगे। और आज का स्वमान क्या रहेगा, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, और अपने नए नए स्वमान याद करना जो आज बाबा ने मुरली में हमें दिए। ओम शांति। Mm-hmm.